अपनी ही बेटी का दैहिक शोषण करने वाले सौतेले पिता को कोरबा पुलिस ने बिहार के छपरा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने कई बार अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने अपराध कायम कर आरोपी की तलाश शुरू की थी, लेकिन आरोपी बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। बालोद जिले के गुरूर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर गंगरेल नहर में गिर गया। ट्रैक्टर में सवार तीन युवक ट्रैक्टर सहित नहर में जा गिरे। स्थानीय युवकों की मदद कर डूबते हुए दो लोगों की जान बचा ली गई, वहीं तीसरे की तलाश जारी है। लाइट इंडस्ट्रियल एरिया में गोस्वामी इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग कंपनी में रविवार की सुबह आग लग गई। खबर लगने पर 5 दमकल और फोम की मदद से करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जसपुर जिले के बगीचा विकास खंड में गाना धान बाट से खोड़िया रानी जा रही पिकअप वाहन छिछली में अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। पिकअप में 15 से 20 लोग सवार थे। बेमेतरा जिले में हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। यहां तेज रफ्तार में 2 बाइक की भिड़ंत से बाइक चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक को गंभीर चोटें आई है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा बेमेतरा थाना के ग्राम भेड़नी क्षेत्र का है। महासमुंद जिले के पिथौरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बसना की ओर से अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहे थे। इसी पर पुलिस ने संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोककर चेक कर बाइक में बैठे व्यक्ति मनीष वर्मा एवं प्रशांत चौबे को पकड़कर उनके पास से 50,000 कीमत का 5 किलो गांजा वो बाइक को जब्त किया है। पंडरी थाना इलाके में दलदल सिवनी अगरिया तालाब के पास आम रोड में अपने हाथों से गुप्ती लहराकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में घूम रहे युवक को पंडरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजधानी रायपुर के आरटीओ विभाग की टीम ने जयसवाल निको एसकेएस सार्थक इस्पात गोदावरी इस्पात हाईटेक यार्ड शारदा एनर्जी सिलतरा सहित कई फैक्ट्रियों में छापेमारी की, जहां से टैक्स डिफॉल्टर कई गाड़ियों को जब्त किया गया। नामी कंपनी और फैक्ट्रियों में छापेमारी से खलबली मच गई थी। राजधानी रायपुर में स्थित सिटी सेंटर मॉल के पीछे पंडरी स्थित हाट बाजार के समीप रविवार को शाम को आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी पहुंचे और आग को काबू पाने का प्रयास कर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर अंतर्राज्य चेक पोस्ट रेहटी खोल थाना सिंघोड़ा में उड़ीसा की ओर से आने वाले वाहनों की चेकिंग हेतु बल लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच उड़ीसा की ओर से आ रही एमपी पासिंग लाल रंग की बोलेरो कार रोक कर जांच की गई। बोलेरो सवार 4 लोगों को पकड़कर 80 किलो गांजा जब्त किया गया। निजी न्यूज चैनल में विज्ञापन पर लाभ कमाने के नाम से ठगी करने वाले आरोपी अनिल नायर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने रायपुर के कारोबारी से 1 करोड़ रुपए लेकर उसे ठग लिया। एक बड़े नेशनल न्यूज चैनल के नाम का इस्तेमाल कर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। रायगढ़ कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष नागर एवं स्टाफ द्वारा पुरानी हटरी पर चकद्दर नगर सिंधी कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति को अवैध रूप से गैस रेगुलेटर एवं गैस रिफिलिंग वाल्व की बिक्री करते पकड़ा गया। आरोपी के पास से गैस रिफिलिंग का वाल्व राड 149 नग, गैस रिफिलिंग वाल्व बिना रॉड वाला 105 नग जब्त किया गया। पुरानी भिलाई की पुलिस टीम ने औद्योगिक क्षेत्र हथखोज स्थित दुर्गा स्टील कंपनी से बायोडीजल से भरे टैंकर को जब्त किया है। पुलिस ने डीजल से भरे टैंकर को थाने में लाकर खड़ा कर दिया। कंपनी के मालिक को डीजल खरीदी के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। विश्रामपुर भाटा गांव मार्ग पर रामनगर एवं आरटीआई के माध्यम से स्थित पुलिया से थोड़ी सी ऊपर भूसा से लदी ट्रक पलट गई, जिससे आने जाने वाले राहगीर बाल बाल बच गए। चालक ने स्वयं ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई।
खुद को पुलिस कर्मी बताकर राहगीरों से नकदी एवं मोबाइल लूट की शुरुआत करने वाले आरोपी लमगांव निवासी साबिर अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अंबिकापुर और दरिमा थाना क्षेत्र में दो लोगों से मोबाइल और नकद की लूट की थी। दुर्ग सीएसपी की टीम ने मुखबिर की सूचना पर अटल आवास मरघट के पास से दुर्गा साहू पति एजाज अहमद उम्र 25 वर्ष निवासी अटल आवास को पकड़कर उनके कब्जे में रखे खाकी रंग के कार्टून से 19,000 रुपए कीमत के 124 नग नशीला कफ सिरप जब्त किया है। बलरामपुर जिले के बलरामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सागरपुर में मृतक 21 वर्षीय कॉलेज छात्र तरुण सरकार ने गांव में ही एक पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। गांव वाले ने जब मृतक तरुण का शव पेड़ पर लटकते हुए देखा तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को और मृतकों के परिजन को दी गई। वाड्रफ नगर स्थित शासकीय शराब दुकान में लूटपाट करने पहुंचे 7 में से 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते 8 मार्च की रात लगभग 10 बजे युवक वाड्रफ नगर शासकीय शराब दुकान लूटने आए थे। उनमें से कुछ ने हाथों में देसी कट्टा भी रखा हुआ था। सरगुजा जिले में चल रहे मैनपाट महोत्सव के आखिरी दिन स्मृति चिन्ह नहीं मिलने से कांग्रेस के नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा। नेता इतने नाराज हो गए कि वो सभी कार्यक्रम स्थल के बाहर ही गेट के पास बैठकर हंगामा करने लगे। मिश्रित प्रजाति की चिरान लकड़ी ले जाते हुए जूट मिल पुलिस ने एक पिकअप को जब्त कर वन विभाग के सुपुर्द किया है। पहले तो पुलिस ने सुपुर्दगी में देर की, उसके बाद वन विभाग भी इस मामले में कार्रवाई करने से कतराता रहा। चिरान की जब्ती के 12 दिन बाद इसे कार्रवाई शुरू की गई। रायगढ़ जिले की आरपीएफ द्वारा अवैध रूप से रेल ई टिकट बनाने वालों की पतासाजी कर जोर शोर से की जा रही है। इस कड़ी में डबरा रोड किनारे ग्रामीण सुविधा केंद्र के संचालक द्वारा निजी आईडी से टिकट बनाया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए इसके कब्जे से 10 ई टिकट कंप्यूटर सेट को जब्त किया गया। संपत्ति विवाद को लेकर 2 युवकों ने अपने चाचा पर प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे उपचार हेतु भर्ती कराया गया था। इस दौरान उसकी मौत हो गई। मौत हो जाने पर डोंगरगढ़ पुलिस ने आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। बालोद जिले के गुंडरदेही मुख्यालय में 6 किलोमीटर दूर ग्राम हीरो खपरी में गांव में कुआं खोदने के बाद मजदूर अपने घर को जा रहे थे, तभी एक सिरफरा युवक पीछे से अचानक से इन लोगों के ऊपर डंडे से हमला कर दांत से काट लिया। शिकायत के बाद गुंडरदेही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। धमतरी जिले में भकाला थाना क्षेत्र के ग्राम सेमरा बी में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से विजय कुमार साहू की मौत हो गई। ग्रामीणों को इसकी जानकारी होने पर घटना स्थल पर भीड़ लग गई। पुलिस ने शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कुरुद भिजवाया है और सड़क से भीड़ को भी हटवाया। धमतरी जिले में ग्राम पंचायत रुद्री के एक घर में मांतरण के लिए लोगों को एकत्रित करने की बात कहते हुए ग्रामीणों ने 13 मार्च को विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि रुद्री में हिंदू धर्म के लोगों को प्रलोभन देकर मांतरित किया जा रहा है। सूचना पाकर रुद्री पुलिस मौके पर घर पहुंची और लोगों को शांत करवाया। महासमुंद जिले के सहायक आबकारी आयुक्त विजय सेन शर्मा के मार्गदर्शन में रविवार को आबकारी टीम ने जिले भर में कार्रवाई की। महासमुंद बसना सरायपाली व सांकरा की टीम ने रविवार को कार्रवाई करते हुए शराब में अवैध विक्रय के 7 मामले और 8 आरोपियों को पकड़कर 117 लीटर महुआ शराब जब्त की गयी है। जसपुर जिले में तपकरा जंगल की अवैध कटाई की सूचना पर तस्करों की निगरानी के लिए जंगल गए ग्राम वन सुरक्षा समिति के सदस्यों पर अवैध कटाई कर रहे लोगों ने हमला कर दिया। हमले में समिति के 2 सदस्य घायल हो गए, घायल में एक की हालत गंभीर बनी हुई है।
दंतेवाड़ा में चलाए जा रहे घर वापसी से प्रभावित होकर सीआरपीएफ डीआईजी विनय कुमार एसपी दंतेवाड़ा सिद्धार्थ तिवारी के सामने एक नक्सली ने आत्मसमर्पण कर दिया। समर्पण करने वाला नक्सली चुलाराम मंडावी और सुलाराम अरनपुर थाना क्षेत्र के रेवाली ग्राम पंचायत का रहने वाला है।